दलित महिला की पुलिस कमिश्नर से गुहार। विधायक प्रतिनिधि ने 10 लाख रुपए में बेच दिए मेरे 250 सुअर। 12 नंबर मल्टी के पास 5 नंबर में मर्डर हुआ था, वहाँ पे मर्डर हो गया था। तो ये फरोज खान है जो लाला, ये हमारे घरों के अपने मतलब लड़के, उल्टे उल्टे सीधे लड़के लाला के, हम जब डर के भाग गए तो हमारे घर के ताले वाले तोड़वा दिए गए, जानवर भरवा दिए, और बकरा बकरी बहुत सा था सर, घर में बहुत रहता है, इसमें सब तबाह करवा दिया। कुछ नगद पैसा भी था? नगद पैसे जो थे तो सर अब तो भूल भाल गए, उस दंग फसा कितना हमके हो गया था कि मोहल्ले वाले तक हमको परेशान कर रहे थे, आप तो भग रहे हो डर डर के, हम कैसे रहेंगे, हम हमारे झुग्गियाँ जलाने आ रहे हैं और फरोज खान लड़के भेज रहा है, खुद आ रहा है, जैसे कि आरी मसूद जला देंगे। आपने बताया कि जो लाला है वो आरी मसूद के नीचे काम करते हैं। हाँ, नीचे काम करते हैं। क्या इसकी शिकायत आपने आरी मसूद से भी की है? आरी मसूद के लिए तो हम डर के मारे गए ही नहीं ना, वो ही दंगा फसाद करवा रहा था, वो इसने लाला ने खुद बताया, एक लेटर लेके आया जानवर भराने के लिए कि ये लेटर देखो। ये पूरा कार्यक्रम जो घटना घटी वो आरी मसूद के संरक्षण में घटी है? हाँ, उनकी सहायता से हुआ है सर। आपके सुअर जब ले गए थे तो किसने कौन ले गया था? जे निगम निगम का वो है क्या, अविनाश, तो आप वो गाड़ियाँ लगाता था। पहले क्यों नोटिस दिया ले जाने से पहले? कुछ भी नहीं दिया गया, बिना नोटिस दिए ताले तोड़ के हमारे बाणों से भर लिए। गए कहाँ अब पता नहीं, उन लोगों ने कहाँ भेजे, हमने पता बनाई है सरकार के पास बनाई है सर, वो बोल रहे थे निगम निगम भर के ले गई, हमने निगम निगम में पता किया उधर नहीं थे, इन लोगों ने फिर जहाँ बेचे हैं वहाँ पता किया तो इन लोगों ने बहुत उस कीमत में बेचे उनको। फिर तो आपको कैसे पता चला कि उन्होंने कहाँ बेचे हैं? ये अब बताने वालों ने बताया था कि वो वहाँ बेचे हैं, तो बच्चा तो हमारा अंदर ही था, अंदर अभी भी है। तो फिर हम लोगों ने, समाज के लोगों ने आपकी कोई मदद नहीं करी? कोई मदद किसी ने नहीं करी। तो आप आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में पहुँचे हैं, तो क्या उम्मीद लेके पहुँचे? आज मेरा कहना यह है कि देखिए आज किस तरीके से सफ़ेद पोशाक में जो लोग रहते हैं और उनके साथ कैसे गुंडे लोग जो जुड़े हैं। आज जो कहा जा रहा है मध्य विधायक आरिफ मसूद जी, उनके साथ जो ये फिरोज लाला जुड़ा है और जिनको आरिफ मसूद जी ने लॉकडाउन में एक पद भी दिया था, वो ये पद ये रहा सबूत, ये नाम लिखा है फिरोज लाला, ये देखिए ये रहा वो लेटर जो आरिफ मसूद जी खुद आगे कर रहे हैं और बता रहे हैं। और जो दलित के लिए और बाबा साहब के लिए कहते कि मैं बाबा साहब ही हूँ, मैं ना अम्बेडकरवादी हूँ, तो ये अम्बेडकरवादी लोग ऐसे दलित के साथ ऐसे काम करवाएंगे? ये बताइए, एक दलित की फैमिली को इस तरीके से बर्बाद कर दिया जिसका रोजगार उन्हीं से चल रहा था, और ऐसे तड़ी पार लोगों को आज विधायक जी साथ दे रहे हैं। ये देखिए एक सबूत मेरे पास ये हो रहा, ऐसे तड़ी पार लोगों को विधायक के साथ रहना चाहिए क्या? क्या विधायक जी को उनका मालूम नहीं था ये तड़ी पार हैं, वो ये गुंडा हैं जो शराब बेच रहे हैं, जुए करा रहे हैं, सब करा रहे हैं, और आज कुछ नहीं तो एक दलित के ऊपर ऐसा जुल्म हो रही है। आज ये महिलाएं मेरे पास मदद मांगने आई हैं और मैं कहूँगी हमारे क्या कहते हैं इनके साथ मदद होना चाहिए, और मैं इंशाल्लाह इनके साथ हमेशा खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी, हर महिला के साथ खड़ी रहूँगी मैं, और हर समाज हर वर्ग के साथ रहूँगी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, एक दलित के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और जब ये मेरे पास मदद लेने आई हैं मैं इनके साथ खड़ी हूँ। मेरा शिवराज सिंह चौहान मामा जी से आदेश है कि इस दलित का पूरा ख्याल रखा जाए, इस दलित के साथ जो नाइंसाफ़ी वो दी जाए, इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनके जानवर कैसे बेचे गए, क्या हुआ, किस तरीके से, वो ये मध्य विधानसभा में हुआ है, वो इस चीज़ की खबर विधायक जी को होगी, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं होगी। आप शिवराज सिंह चौहान जी को ये पत्र लिखेंगे कि इनको न्याय मिले? जी बिल्कुल, मैं शिवराज सिंह चौहान जी को ये पत्र लिखूंगी मामा जी को कि वो इनके साथ न्याय करें। और इस बात को आज 1.5 साल होगी कि 1.5 साल में विधायक जी को चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज होगा। आज जो इंसान विधायक जी के साथ जुड़ा हुआ फिरोज लाला, तो विधायक जी के साथ ही जुड़ा हुआ है ना, विधायक जी को मालूम होगा पूरे चीज़ का, तो इनको इंसाफ क्यों नहीं दिलवाया विधायक जी? ये भी अम्बेडकरवादी हैं और विधायक जी अपने आप को भी अम्बेडकरवादी कहते हैं, तो इनके साथ विधायक जी करें पूरा इंसाफ। नाम बता दीजिए अपना। जी समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष क्षमा तनवीर। मेरा नाम मीनू बरदेव है, मेरा नाम मीनू बरदेव है, 12 नंबर 5 नंबर मर्डर हुआ था, जिसके पश्चात मेरे पति को पुलिस वालों ने झूठे इल्जाम में फंसा दिया था।
उसके बाद हम लोग मतलब वहाँ पे बहुत अफरा तफरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ मतलब बहुत दंगे फसाद हो गए थे वहाँ पे। जिसके बाद हम लोगों ने मतलब घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने जाने के बाद हम लोग कुछ टाइम बाद घर लौट कर आए। वहाँ लौट के आने के बाद हम लोगों ने जब घर देखा तो हमारे घर का पूरा सामान, ताले वाले और हमारे 200 जानवर थे, जिसके वो सब जानवर गायब थे, सब चोरी हो चुके थे, हमारे घर का सामान भी। और हमने आसपास के पूरे मतलब सभी लोगों से पूछताछ की और सब चीज़ किया तो पता चला जो रोज़ लाला हैं उन्होंने नगर निगम से मतलब गाड़ी में भर के हमारे पूरे के पूरे जानवर उठा दिए गए हैं। कितने के जानवर थे? हमारे कम से कम 15-20 लाख के जानवर थे। उन्होंने 10 लाख में हमारे जानवर बेचे। जब हमने इन्फॉर्मेशन निकाला और हमें मतलब कहीं से इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? हमने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में की थी, बाल मानव में भी किया हुआ था हमने वहाँ पर, हाँ जी मानव अधिकारी में भी किया था, पर कोई सुनवाई नहीं। किस तरह जा रहे हैं आपको, कौन आपके दबाव बना रहे हैं? ये जो फिरोज लाला है वो हिंदू और मुसलमान के विरोध मतलब ये सब चीज़ कर रहे हैं। वो हमें हमेशा डराते रहे हैं और सब चीज़ रहा। उसके पश्चात हम लोगों ने बहुत मतलब सब जगह हम लोगों ने बहुत सुनवाई उनवाई करने की कोशिश करी, पर कहीं सुनवाई नहीं। फिरोज लाला किसके आदमी किसके काम करते हैं? आरिफ मसूद जी के वो हैं, मतलब उनके नीचे काम करते हैं, आरिफ मसूद जी के नीचे। क्या उनसे खतरा है आपको? जी उन्होंने हमेशा मतलब यही मुसलमान हिंदू के विरोध मतलब ये सब चीज़ों के लिए हम लोगों को डराते हैं। कांग्रेस में किसी नेता से आपने कोई आवेदन या किसी से कोई शिकायत की हो? पीसी शर्मा जी हैं, उनके पास हमने शिकायत किया था, पर वहाँ क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे कागज वगैरह दे दिए गए, उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते हो आप? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी रोजनदारी सब चीज़ हमारा उसी से था, जानवर से, जो कि इतना सब कुछ गायब हो गया, ख़त्म हो गया। हम वही चाहते हैं कि हमें सिर्फ न्याय मिले और हमारा कौन सा जानवर? हमारे जानवर सुअर के जानवर थे। सुअर जी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हो आप? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो भी घर है, परिवार है, सब उसी से चलता है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 10-12 लोग हैं। हम इसी सब इसी इसी से चलते हैं। इसी पूरा परिवार जी।